أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون दोस्तों उम्मीद के बखैर आफ़ियत होंगे अल्लाह ताला आप तमाम को अपने अहलयाल के साथ खुश रखे आमीन मैं आप हजरात की खिदमत में नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ हमारे सबक का सिलसिला जारी है कि हमारा सबक चल रहा था तख्ती नंबर चार हरूफ मद्दा हरूफ मद्दा तीन ही अलिफ़ या वाव इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ें तो इसके मुतालिक बात आई थी कि हमारा सबक अलिफ मद्दा के सिलसिले में बात आ चुकी कि उसको खींच कर पढ़ना चाहिए या ए, मद्दा का भी सबक आ गया अब हमारे सबक है वाव मद्दा तो पहले बात आ चुकी कि ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों को खींच कर नहीं पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे हाँ अगर खींचना है तो उसके लिए हरूफ मद्दा आनी चाहिए कि हरूफ मदा तीन हैं तो यहाँ पर ये भी बात आ चुकी कि ज़बर को खींचने के लिए उसके बाद एक अलीफ़ होना चाहिए अलीफ़ से पहले अगर ज़बर है तो इसको खींच कर पड़ेंगे और इसी तरह ज़ेर को खींचने के लिए उसके बाद जज़म वाली या होनी चाहिए और पेश को खींचने के लिए उसके बाद जज़म वाला वाव होना चाहिए तो उसी के मुतालिक बात आ रही है आए अब हम सबक शुरू करते हैं कि सबक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले तख्ती को अच्छी तरह याद कर लें जो ऊपर यहाँ पर दी गई है यह तख्ती है यानी इसको पढ़ने का जो असूल है तरीक़ा है उसको पहले बताया जाएगा तो इसको अच्छी तरह से हम जहन नशीन कर लें तो इन शाला नीचे का सबक पढ़ना हमारे लिए आसान होगा चले पढ़ते हैं वावे मद्दा वाव जिस पर जजम हो उससे पहले पेश हो थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें वाऊ ऐसे ही जो है सरसरी इसको याद कर लेना नहीं है बल्कि समझ के इसको याद करेंगे तो इन मरते मरतदम तक ये चीज़ याद रहेगी और इसी के मुताबिक हम जो है पढ़ने का सीखेंगे भी और पढ़ेंगे भी तो दोस्तों आए हम यहाँ पर सबसे पहले तख्ती को समझते हैं याद करते हैं वाओ जिस पर जजम हो तो यहाँ पर शक्ल दी गई है वाव और उसके ऊपर जजम उससे पहले पेश हो यहाँ पर पेश दिया गया है वाव जिस पर जज़म हो उससे पहले पेश हो तो इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें और मारूफ पढ़ें वाव से पहले जजम वाले वाव से पहले पेश हो तो इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें और मारूफ पढ़ें ये तीन बातें अच्छी तरह से याद लें फिर आगे पढ़ने का तरीक़ा ham zha wau pes u ba wau pes bu ta wau pes tu sa wau pes Tu jim wau pes ju ha wau pes hu wau pes خو دال واو پیش دو ذل واو پیش ذو را واو پیش رو زا واو پیش زو سین واو پیش سو شین واو پیش شو صاد واو پیش سو

काफ वाव पेश कू लाम वाव पेश लू मीम वाव पेश मु नून वाव पेश नू वाव पेश वू हा पेश हु हम वाव पेश ऊ या वाव पेश यू इस तरह से इसको खींच कर पढ़ेंगे और इस तरह से हिज्जे करके इसको पढ़ेंगे तो दोस्तों बुज़ुर्गों ये बात समझ में आ चुकी होगी हरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़नी चाहिए खींच कर पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कि चलो खींचना ही है तो ज़रा से हमने खींच लिया जैसे सीन वाव पेश सु जिन वाव पेश जो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो है सही ढंग से हरूफ मदा की अदायगी नहीं होगी बल्कि ए कलीफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए जैसे बा पेश बू यहाँ पर जब हम शुरू में पढ़ रहे हैं तो इस तरह से खींच कर पढ़ेंगे तो यही आदत हमको नीचे मश्क के सबक में हमें जो है आदत पड़ेगी फिर यहाँ पर हमने इस तरह पढ़ा तो आगे के असबाक में भी हमें जो है अच्छी तरह से इस तरह खींच कर पढ़ेंगे तो यहाँ तक कि कुरान पाक के अंदर भी पूरी अदायगी के साथ जिस तरह से एक हाफिज़ क़ुरान पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ने का आप भी सीख जाएंगे इन जरूर भी ज़रूर तो दोस्तों बुज़ुर्गों एक और अहम बात यह है कि मारूफ पढ़ें ऊपर बात आई थी इसको भी अच्छी तरह समझ लें कि जैसे तख्ती नंबर तीन के अंदर बात आई थी कि पेश पेश को मरूफ पढ़ा जाए मजहूल आवाज़ से बचा जाए पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होन्ट गोल होते हैं ये अच्छी तरह याद रखें पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंट गोल होते हैं तो बा पेश बू इस तरह से होंट गोल होंगे और आवाज़ आगे को जाएगी और यहाँ पर भी बा वाव पेश बू इस तरह से पढ़ेंगे ये मारूफ है वही अगर हमने ढीला पढ़ लिया लापरवाही की वजह से गफलत में जो है हमने इसे ही बा पेश, बू, ताव पेश ले कर तो ता पढ़ लेकर चले गए तो ये जो है सही माने में तजवीद के साथ आपने नहीं पढ़ा बा किसी ने जो है ढीला इस तरह से गफलत के साथ पढ़ा तो ये भी जो है मजहूल हो जाएगा मजहूल से नहीं पढ़नी चाहिए मारूफ पढ़ना चाहिए आए अब हम नीचे जो मश्क का सबक़ है इसको हम पढ़ के सुनाते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए मश्क़ नू तू रु तो बू ये भी आप अच्छी अच्छी तरह से आप इस बात को समझ लें कि जो भी हम अल्फाज पढ़ रहे उसके नीचे जो है हमारी उंगली होनी चाहिए ताकि हमारी ज़बान और हमारा कौल हमारे जो कुछ हम अपने ज़बान से अदा कर रहे हैं इसके साथ साथ हमारा निशान भी वहीं पर हो और हमारी निगाह भी वहीं पर हो ऐसा नहीं कि हम पढ़ तो तू लेकिन बू पर जो है उंगली है पूरे को मिलाकर हमने इस तरह से जो है रख लिया इस तरह से खींच के जा रहे हैं ऐसा नहीं नो तू रु तू बू जो लफ्ज़ हम अदा करते हैं उसके मुताबिक हम उंगली भी रखनी चाहिए ताकि वह हर्फ़ और उसके पढ़ने का तरीक़ा सब हमारे जहन में बैठ जाए तू बू नो रु قالوا يحيي يقوم تكون مسلمون قارون داخرون سبقونا باسطون रूना तो दोस्तों ये जो मशक़ का सबक है इसको रवा आप हजरत के पढ़ सामने पढ़कर सुनाया गया तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें रवा पढ़ना ये उसी वक्त आसान होगा जब हमको हिज्जे करने आएगा इसको हम हिज्जों के साथ पढ़ेंगे तो फिर जो है रवा पढ़ना हमारे लिए आसान होगा ऐसे ही अगर हमने सिर्फ़ रवा रवा हमने पढ़ लिया हिजे पढ़ने का हमने सीखा ही नहीं तो फिर दोस्तों बुज़ुर्गों कुरान पाक के अंदर बहुत सारी जगह दुशारी आएगी इसलिए कि सीखने वालों के लिए जो सीख चुके हैं वो तो सरसरी पढ़ लेंगे लेकिन जो सीखने वाले हैं उनके लिए बाज़ जगह हिज्जे अगर आएंगे तो हिज्जे करके आगे बढ़ जाएंगे अगर नहीं आया पढ़ने के लिए तो वहाँ पर अटक जाएंगे इसलिए हिज्जों को भी आप तवज्जो के साथ सीखने की और सुनने की ज़रूरत है तो आए हम बीचे करने का मालूम करते हैं तो पीछे जो हिज्जे वगैरह बताए गए आप हजरा की खिदमत में उसी को आप जहन नशीन कर लें जहन में अच्छी तरह से याद कर लें तो इन शह यहाँ पर भी वो आसानी होगी जैसे पीछे के सबक में बात आई थी दाल या जेर दी नून या जेर नी दी नी ऐसे ही इस सबक़ में भी हम करेंगे नून वाओ पेश नू हा पेश हु। nu hu tawau pes tu ra pes ru tu bu. Nu. Rawpish, ru tawau pes tu ba waw bu tu bu nun waw pes nu ra pes ru نور ق فلف زبر قا لام واو بيش لو قالو يا واو بيش يو حا يا زير حي يو حي يا زبر يا قاف واو بيش قو يقو

قاف الف زبر قا را واو رو, رو قا رو نون بيش نو قا نو دال الف زبر دا خا زير خي دا خی را واو رو دا خي رو نون زبر نا دا خي رو نا दोस्तों जैसे पहले बात आई कि अब जब हम जब हम कर रहे हों तो हिज्जे करने के बाद एक एक हर्फ पर जो है इस तरह से हम उंगली रखनी चाहिए दा ख़ी रु ना ऐसा नहीं कि हम इस तरह से उंगली बड़ा से चले गए तो इससे जो है हरूफ़ हमारे जहन में नहीं बैठेंगे दाल अलिफ़ दा हमने हिज्जे किया तो ये दा अच्छी तरह जहन में रखें ख़् जेर ख़ी ख़ी की जो आवाज़ है इसको भी जहन में रखें तो अब मिलाते वक्त दा ख़ी ये बात अच्छी तरह से अगर हमने जहन नशीन कर लिया कि जो अब हिज्जे करते हैं दाल अलिफ़ ज़बर दा दाल अलिफ़ ज़बर यहाँ तक हिज्जे हैं इसके बाद हम मिलाने का जो तरीक़ा है दा इस आवाज़ को याद रखनी चाहिए रवा पढ़ते वक्त दा ख़ा ज़ेर यहाँ तक तो हिज्जे कर लिए ख़् को ज़ेर आया तो ख़ी होता है खी याद रखनी है दाख़ी पेश क्या हुआ रू इस रू को याद रखना है तो अब मिलाएँ दाखी रू नून जैबर ना दाखी रू न सीन जबर सा बबर बबा फाउ पेश सब उ نون ألف زبرنا سبقونا با ألف زبر با سين زير سي با سي واو بيش تو با سي تو نون زبرنا با تو نا را ألف زبر را جيم زير جي را جي عين واو بيش عو रो जी रू तो दोस्तों यहाँ पर इसके हिज्जे और रवा आप हजरत की खिदमत में पेश किए गए तो अब एक और काम हमारा बाकी है जो बहुत ही अहम और ज़रूरी है जिसको इजराय कवायद कहते हैं इस चीज़ को भी अच्छी तरह से हमें याद करने की ज़रूरत है दोस्तों अब यहाँ से हम इजरा कवायद को हम मालूम करते हैं जिस तरह से पीछे बात आई थी कि तख्ती नंबर चार जैसे ही शुरू हो तो वहाँ पर एक काम और ज़्यादा हो जाता है पिछले असबाक में सिर्फ़ या तो हरक़त को अदा करने का था जैसे दारवासा वादा आबादा इस तरह से रवा पड़े और हिज्जे पढ़ लिए बस काम हो गया तो यहाँ पर रवा हमने पढ़ा न ये जो है रवा है, फिर उसके बाद हमने हिज्जे किया नून वाव पेश नू हा पेश हु नू हु इस तरह से हिज्जे किया अब तीसरा काम है ये है कि जिसको इजराय कवायद कहते हैं इस इजरा कवायद को भी अच्छी तरह हमको समझने की ज़रूरत है अगर हमने एक मरतबा समझ लिया तो कुरान पाक के अंदर भी जहाँ कहीं भी आएगा आप आँख मूछ कर जो ये कहेंगे कि यह हरुफ मद्दा का फायदा है यहाँ पर तो समझ लें किफ मद्दा में से वाव है वाव से पहले पेश है यह हरूफ मद्दा का क़ायदा है यहाँ पर एक अलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मद्दा कहते हैं यहाँ पर इसका कायदा है तो फिर उसके बाद यहाँ पेश का कोई क़ायदा नहीं है तो है लेकिन वो अक्सर जो है पढ़ा जाता है तो इसलिए इसका तरीक़ा हम मालूम कर लें तो आगे जो है हरूफ मद्दा में से वाव है वाव से पहले पेश है ये हरूफ मद्दा का कैदा है यहाँ पर एक कलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मद्दा कहते हैं इसी तरह से आगे भी हरूफ़ मद्दा में से वाव है हम अपने आप को समझा लें हरूफ मदा में से वाव है वाव से पहले पेश है ये हरूफ मदा का कैदा है यहाँ पर ए कलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मद्दा कहते हैं इस तरह से पढ़ना है हरूफ मद्दा में से वाव है वाव से पहले पेश है ये हरूफ मद्दा का खैदा है यहाँ पर ए कलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मद्दा कहते हैं हरूफ मद्दा में से वाव है वाव से पहले पेश है ये हरूफ मदा का क़़द है यहाँ पर एक अलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मद्दा कहते हैं तो यहाँ तक तो ऊपर की लाइन में सब जो है वाव ही के अल्फाज दिए गए थे तो यहाँ पर अब अलीफ़ मद्दा, वाव मद्दा, याए मद्दा तीनों के मिलाकर जो है आप हजरत के सामने क़ैदे अल्फाज आए हैं तो इसके क़ैदे अदा करने होंगे जैसे क़ाफ अलीफ़ ज़बर क़ा या अलीफ़ आ गया फिर वाव मद्दा, फिर वाव मद्दा, फिर यहाँ पर या मद्दा आया है तो हरूफ मद्दा में से अलीफ है अलीफ़ अलीफ से पहले ज़बर है यह हरूफ मद्दा का क़़दा है यहाँ पर एक अलीफ़ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको अलीफ मद्दा कहते हैं हरूफ मद्दा में से वाव है वाव से पहले पेश है यह हरूफ मद्दा का कैदा है यहाँ पर एक अलीफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए इसको वाव मदा कहते हैं इसी तरह यहाँ पर भी वाव मददा का फायदा फिर उसके बाद या मदा का फायदा तो दोस्तों बुज़ुर्गों इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से नंबर वार याद करें तो इन याद हो जाएगा सबसे पहले हरूफ मदा में से वाऊ है एक नंबर दो वाऊ से पहले पेश है ये नंबर तीन ये हरूफ मदा का कैदा है नंबर चार यहाँ पर क्या करना चाहिए एक कलीफ की मकदार खींच कर पड़ना चाहिए फिर उसके बाद नंबर पाँच इसको वाव मद्दा कहते हैं पांच बातों को हम याद रख लेंगे तो अलीफ़ का कैदा भी याद याद होगा फिर या का कादा भी याद होगा वाव का कायदा भी हमें याद हो जाएगा तो इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा आप हज़रत को सीखना और याद रखना तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें याद कर लें इन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली आप तमाम को जल्द अज़ जल्द कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखने की और उसको तिलावत करने की तोफ़ी अतः फ़रमाएँ अल्लाह ताला आप तमाम को अपने कला पाक को सीखने के लिए आसान बनाए आमीन अल्लाम आईकम वरहल वबरकू आखिर में आप हजरात की खिदमत में एक छोटी सी एक दरख्वास्त है रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बर करम ज़रूर बे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसके ज़रिए से इन आप हजरात को सबक दर सबक लिंक पहुँचते रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसी तरह हमारे इस चैनल पर सिर्फ नूरान कैदे का ही नहीं बल्कि अकवाल जर्रीन जिसको हम सुनहरे अल्फाज कहते हैं लाखों में एक बात कहते हैं और इसी तरह गोल्डन वर्ड्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं तो इसके भी आप हजरात के सामने वीडियोस आएँगे और बहुत सारी नसीहत आमोज बातें और वाकियात इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप हजरा की खदमत में आएँगी बर करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक मरतबा आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्ले लिस्ट आप हजरा देख लें तो इन शाला बहुत कुछ बातें जो है आप हजरा की खिदमत में समझ में आ जाएगी दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें शवाब जारिया की नीयत से अल्ला हाफिज़ अलकम वरहि वरक